नकली है क्या? खेल पीछे पड़ा हुआ है, दलाई लामा नकली बना दिए जाए आप तो सफल नहीं। दलाई लामा नकली नहीं है, अडवाणी और सोनिया जी के नकली दामाद जेल में चले गए, नकली पुलिस इंस्पेक्टर जेल में चले जाते हैं, उस देश का क्या होगा जहाँ 100-100 आतंकवादी शंकराचार्य बन के घुमाए जा रहे हैं। ला इल्लाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस देश का क्या होगा जहाँ भाजपाई शंकराचार्य, कांग्रेसी शंकराचार्य, सपाई शंकराचार्य, बसपाई शंकराचार्य, ये देश को नष्ट करने का अभियान है या नहीं? हृदय में स्थापित करते हैं आप सब पर बाबा की खूब कृपा बरसे। ओम शांति। प्रधानमंत्री नकली नहीं, शंकराचार्य नकली क्या? धार्मिक क्षेत्र के भी भाग्य विधाता ये राजनेता हो गए, जिनको राजनीति की परिभाषा का ज्ञान नहीं है वो धार्मिक क्षेत्र में सरासर हस्तक्षेप कर रहे हैं। कोई धार्मिक संस्थान टिकने नहीं दिया, झटपट धनमान का केंद्र राजनीति को इतना घोषित कर दिया, हर व्यक्ति भगा जा रहा है, भगा जा रहा है किधर? राजनीति की ओर। तो धार्मिक तंत्र की आवश्यकता नहीं है, सामाजिक तंत्र की आवश्यकता नहीं है, सांस्कृतिक तंत्र की आवश्यकता नहीं है। शंकराचार्य की गद्दी को भी निगल लिया, और वैष्णवाचार्य में कोई ऐसा नहीं वैष्णव जो अपने को जगत गुरु न कहता हो। अयोध्या में 100 जगत गुरु हैं, कबीर पंथी भी गुरु। सतगुरुदेव की जय। सब बन जाओ गुरु, जितने गुरु हो सब जगत गुरु बन जाओ, देश का क्या होगा? भारत का अस्तित्व राजस्व को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों की कूटनीति क्रियान्वित है। अब दो और कूटनीति में काले की, सार्वभौम कोई आचार्य धर्माचार्य मत रहने दो, गली गली में सब आचार्य बन के, शंकराचार्य बन के, जगत गुरु बन के घूमे, कोई इधर ले जाए कोई उधर ले जाए। गुरुओं की भरमार ऐसे कर दो कि एक सार्वभौम धर्म गुरु न रह जाए।